बकायेदारों की खैर नहीं है या बकायेदारों ने बकाया राशि जमा नहीं की तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेरा के बड़े बकायेदारों में कई नामचीन बिल्डर हैं। इन पर तहसील प्रशासन ने लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वसूली के लिए SDM सदर के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई हैं। बकायेदारों से वसूली के लिए SDM सदर नवोदिता शर्मा के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई हैं। 10 बड़े बकायेदारों में नामचीन लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों ने बकाया राशि चुकाई है। जिन लोगों ने अभी तक बकाया राशि नहीं दी उन्हें जेल भेजा जा सकता है। कुछ बकायेदारों को जेल भेजा भी गया है। तहसील में वसूली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेजर काम है तहसील का। इसमें 10 बड़े बाकीदारों को चिन्हित करके हमने बाहर इसका एक पूरा होर्डिंग लगाया है ताकि जनता को ये पता चले, और हम लोगों ने ये उसमें भी दिया है न्यूज़पेपर्स में। इसके अलावा जो रेरा की वसूली होती है उसमें जो बड़े बाकीदार हैं उसमें हम लोगों ने जितने भी हम लोगों के पास 11 चिन्हित थे उन 11 की हम लोगों ने हर तरह की रजिस्ट्री क्लोज कर दी। तो वो लोग कहीं पे भी कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकते थे आगरा में। एज अ रिजल्ट हमारे जो 6 बड़े बाकीदार थे उन्होंने अपनी जो रिकवरी अमाउंट था वो दे दिया। हमने उनकी रजिस्ट्री उसके पश्चात खोल दी है। अभी 5 ऐसे बचे हैं जिसमें गायत्री डेवलपर्स हैं, प्रेरणा कंस्ट्रक्शंस हैं, अंसल प्रॉपर्टीज़ हैं, श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, द्वारिका रेजिडेंसी और अंसल हाउसिंग। इनके अभी भी हम लोगों ने रजिस्ट्री रोक रखी है और इनसे कांस्टेंट हम लोग टच में हैं सो दैट जल्दी से जल्दी इनकी वसूली कराई जा सके। तहसील प्रशासन के निशाने पर रेरा के बकायेदार हैं। इसमें नामचीन बिल्डर शामिल हैं। कुछ बिल्डरों को जेल भी भेजा जा चुका है। कई बिल्डरों ने रेरा की RC के बाद बकाया राशि जमा कराई है। तहसील प्रशासन उन बिल्डरों के संपर्क में भी हैं जिनसे बकाया राशि वसूलनी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे मदों में RC जारी होती है, डिफरेंट, जैसे स्टाम्प के मद में, परिवहन के मद में, ठीक है, फिर आपके पास 122B के मद में। तो इस तरीके से जो टॉप 10 बाकीदार होते हैं सारे मदों को मिलाकर डेफिनेटली अगर आप देखें तो अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जेल भी भेजा है। हम लोग जितने भी हमारे कलेक्शन मैनुअल में नियम होते हैं उन सभी के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और वसूली का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ा भी है। हम लोग अमीनों के निशाने पर ज्यादातर छोटे बकायेदार रहते हैं। यही कारण है कि बड़े बकायेदार बचे रहते हैं। लेकिन तेज तर्रार SDM सदर ने पिछले दिनों कुछ बड़े बकायेदारों को जेल की हवा खिलाई थी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।